वॉच दिस न्यू एनिमे नो मैटर व्हाट। और एक सीजन के अंदर बहुत सारे इसे का एनिमे आता है और साथ में बहुत सारे सर्विस देने वाले चीज आता है और इन सब के बीच में रहता है कुछ हिडन जेम्स एंड इट्स वन ऑफ द हिडन जेम जिसके बारे में मैं आज बात कर रहा हूँ। इस एनिमे की स्टोरी कुछ ऐसी है जो बाकी एनिमे से इसको डिफरेंट बनाता है, थोड़ा यूनिक मैं बोलूंगा। एनिमे का आर्ट स्टाइल काफी ज्यादा मस्त है, प्लस एनिमेशन इज टोटली चुम्मेश्वरी ब्रो। और ऑफकोर्स एक एनिमे को एंजॉय करने के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया स्टोरी होनी चाहिए, राइट। स्टोरी तो बढ़िया है बट इसके साथ साथ मेन कैरेक्टर ऐसा है कि तुम्हारा दिल इजिली जीत लेगा। एनिमे के अंदर मेन कैरेक्टर का गट्स एंड स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है बट इसको वो गलत काम के लिए यूज नहीं करता है, वो लोगों की मदद करने के लिए यूज करता है, इवन दो वो लोगों की मदद करना नहीं चाहता है। ऊपर से हमारा मेन कैरेक्टर इज लाइक मैं किसी की परवाह नहीं करता, मुझे ना इस साइड में रहना है ना उस साइड में रहना है, बट डीप डाउन ही केयर्स फॉर पीपल, ही एंड्स अप हेल्पिंग अदर्स। और एनिमे के अंदर मेन कैरेक्टर का मिशन रहता है एकदम से टॉप पे जाना इन टर्म्स ऑफ फाइट। नंदा ते में नामेता नारी शियांगते, जो कमजोर बंदा है वो उससे दूर रहे और जो स्ट्रॉन्ग बंदा है उसको ढूंढने आए, ऑफ कोर्स फाइट करने के लिए। जामा संजय, इट्स ऑल अबाउट स्टूडेंट्स, स्ट्रीट फाइट्स, और इससे याद आ रही है तुम लोगों को शायद टोक्यो रिवेंजर्स। मैं बोलूंगा काइंड ऑफ सिमिलर बट एट द सेम टाइम सिमिलर भी नहीं है, बिकॉज टोक्यो रिवेंजर्स के अंदर बहुत सारे चीजें मिसिंग है जो ये एनिमे इजिली कंप्लीट कर देता है। आगे मैं इसके बारे में बात करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। एंड वन ऑफ द थिंग यू गोना लव अबाउट द मेन कैरेक्टर इज उसका मिस्टीरियस पास्ट। ऑफ कोर्स उसको पहले लोग पसंद करते ही नहीं थे, लोग उसको एज अ डेंजर ट्रीट करते थे, लोग उससे दूर रहते थे, उसका हेयर स्टाइल, उसकी आईज एंड उसके पूरे अपीयरेंस के मजाक उड़ाते थे। इवन स्ट्रांग होने के बाद भी उसने इतना सब कुछ फेस करके रखा, बट स्टिल नो मैटर व्हाट हमारे मेन कैरेक्टर का गोल है टू रीच द टॉप। जिस एनिमे का मैं बात कर रहा है एनिमे का नाम है विंड ब्रेकर। एनिमे का मेन कैरेक्टर है साकुरा हारुका और फीमेल लीड है ताचिबाना कोतोहा। अभी के लिए मैं बोलूंगा ये दोनों कैरेक्टर हमारा इंपॉर्टेंट है, बाकी और भी कैरेक्टर्स है जो बाद में तुमको देखने को मिलेगा बट मैं नहीं चाहता मैं कुछ बोल के तुमको स्पॉइलर दे दूं। पर एनिमे का सेटअप कुछ ऐसा है कि हारुका हैज नथिंग टू डू विद वीकलिंग्स, उसके साथ कमजोर लोगों का कोई रिश्ता नहीं है, ही इज ओनली इंटरेस्टेड इन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग। वो चाहता है जितने स्ट्रॉन्ग बंदा है वो उनको ढूंढे, उसके साथ फाइट करे। एनिमे की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं वो एक न्यू टाउन में आता है, वो अपना लाइफ स्टार्ट करता है फुरिन हाई स्कूल में, एक ऐसा स्कूल जिसको जाना जाता है अपने स्ट्रेंथ के लिए। बट यहाँ पर गलत मत समझो, ये वो स्ट्रेंथ नहीं है जहाँ पर छपरी गिरी होती है, फाइट करता है एंड ऑल, बिना कोई रीजन में आपस में चाकू घुसा देता है, ना ब्रो ऐसा नहीं है। इस फुरिन स्कूल के स्टूडेंट्स अपने स्ट्रेंथ को यूज करते हैं जो टाउन के लोग हैं उनकी मदद करने के लिए। टाउन में जब बाहर के बंदे आके तोड़फोड़ करते हैं तब टाउन के लोग उनको कॉल करता है और वो लोग इमीडिएटली आके उनको पेल देता है। समझ में आ गया मैं क्यों बोल रहा था ये टोक्यो रिवेंजर्स से डिफरेंट है। इस टाउन के गेट में फुरिन के स्टूडेंट्स ने साइन बोर्ड लगा के रखा है, अगर कोई इस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद लोगों को तकलीफ चाह रहा है, डिस्ट्रक्शन कर रहा है या फिर हु होल्ड्स एविल इन देयर हार्ट, तो फिर फोरिन के बंदे उन लोगों को पेल देंगे विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो बेसिकली एक वार्निंग साइन है फॉर द एविल गाइस। और ये सब करने के पीछे ऑफ कोर्स एक और रीजन है, दो साल पहले इस टाउन के अंदर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ करता था, बहुत ज्यादा क्राइम हुआ करता था, बट फोरिन के बंदों ने सब लोगों को मार के भगाया और इस टाउन को रहने लायक कर दिया। और इसी वजह से इस टाउन के लोग फोरिन हाई स्कूल्स के लोगों को बुलाने लगे बो फोरिन, मतलब प्यार से ये नाम उन लोगों को दे दिया। यहाँ पर तो मैंने बात की अबाउट द फोरिन हाई स्कूल एंड देयर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर मेन कैरेक्टर। हमारा मेन कैरेक्टर अपना जर्नी स्टार्ट करने आता है और देखता है एक लड़की को सारे बंदे परेशान कर रहा है, और आगे तो हम लोगों ने देखा हमारा मेन कैरेक्टर कैसे एक एक करके लोगों को पेलता है। और हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर ना वो बैडेस वाइब है जो मेरे को देख के अच्छा लगा। और जैसे मैंने तुम लोगों को बोला वो किसी के लिए कोई परवाह नहीं करता बट डीप डाउन ही केयर्स। एंड आगे लड़की लेकर जाती है उसको ट्रीट देने के लिए एंड ट्रीट देते देते वो लोग बातचीत करते हैं। मेन कैरेक्टर बैडेस है, स्ट्रॉन्ग है, तो एनिमे बहुत ज्यादा डार्क होना चाहिए, राइट, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। एनिमे के अंदर कॉमेडी का एक मिक्सचर है जो मेरे को अच्छा लगा, बीच बीच में दोस्त फनी फेसेस बनाते हैं जो फाइटिंग वाले एनिमे के अंदर हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं बट बीच में आता है तो अच्छा लगता है। एंड इट्स वन ऑफ द एनिमे जिसके अंदर ये होता है। मेन कैरेक्टर हारुका जितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन क्यों ना ले भाई, उसके अंदर एक सॉफ्ट हार्ट है। ओए जेसा निमोत्स वासरेतेन जो, उसको आज तक किसी ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया, उसको सब लोग यू नो एज अ डेंजर ट्रीट कर रहे थे। तो जब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, यू वाज शॉक्ड कि भाई लोग मेरी तारीफ कर रहा है, मैं तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आया, लोगों को पेलने के लिए आया, लोग मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हैं। तो दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, जिस एनिमे को और भी ज्यादा स्पेशल बनाता है मैं बोलूंगा। और जैसे मैंने तुम लोगों को बोला फुरिन स्कूल इज ऑल अबाउट फाइटिंग स्टफ, रैंकिंग स्टफ, तो वो क्लश तुम लोगों को देखने को मिलेगा और वो तो आगे जाना चाहता है, बट वेट अ मिनट, हमारी फीमेल लीड क्लियरली बोल देती है वो ऐसा नहीं कर सकता, ही कांट रीच द टॉप। और इसके पीछे
रीजन क्या है? आंता वा हितोरी दकरा। Yes, तुम अकेले ही टॉप तक नहीं पहुंच सकते। यू नीड हेल्प, यू नीड पीपल विद यू, यू नीड फ्रेंड्स। और ये सारे चीजों को हारुका कभी फील किया ही नहीं, बिकॉज उसका पास्ट बहुत ही ज्यादा मिस्ट्री से भरा, जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं। सब लोगों ने बहुत ही ज्यादा दूरी बना के रखा था पास्ट में। ये तो मैं बोलूंगा तुम लोगों को आने में देखने के बाद पता चलेगा। बाकी तो मैं बोलूंगा बस तुम एक एपिसोड ही देख लो यार। एपिसोड 1 के अंदर ही तुम लोगों को बहुत सारे खतरनाक फाइट्स, हारुका की बैक स्टोरी की झलक और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जिससे तुमको पता लग जाएगा कि इस एनिमे के अंदर वो पोटेंशियल है। और यहाँ पर जितने लोग इस एनिमे को टोक्यो रेवेंजर्स के साथ कंपेयर करने वाले, मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, दिस इज नॉट लाइक योर टोक्यो रिवेंजर्स ब्रो। टोक्यो रिवेंजर्स में लोग मर जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। टोक्यो रिवेंजर्स में वो लोग टाउन के लोगों के लिए काम नहीं करता है, बस कुछ फ्रेंड इशू रहता है और आपस में गैंग वैंग लेके फाइट करते रहते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। टोक्यो रिवेंजर्स का मेन कैरेक्टर ताकेमिची फाइट के बीच में रोता रहता है, बट इसके अंदर मेन कैरेक्टर फाइट के बीच में रोता नहीं, फाइट करने पहले जाता है भाई। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया डिफरेंस क्या है ब्रो। एंड वन मोर रीजन टू वॉच दिस एनिमे इज इट्स स्टाइलिश कैरेक्टर्स। ऑफ कोर्स मेन कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा स्टाइलिश है, दो आंखों के दो कलर्स, दो साइड में दो कलर के बाल, सपोर्टिंग जितने कैरेक्टर्स सारे के सारे स्टाइलिश है। और कुछ और भी कैरेक्टर्स आएंगे फ्यूचर में जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ऑफ कोर्स यू गाइस गोना लव इट। आगे स्टोरी फ्यूचर में कैसी होने वाली है इसके बारे में मेरे को नहीं पता, बिकॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं आगे मांगा ना पर कि मैं तुम लोगों को रिकमेंड कर रहा, बिकॉज मेरे से रहा नहीं जा रहा था, मैंने सोचा मैं तुमको रिकमेंड कर ही देता हूं। अभी स्टार्ट हुआ है तो अभी से ट्राई करोगे तो तुम लोगों को अच्छा लग सकता है, और तुम्हारे भाई ने बोला है देखने का तो देखने का, और देख के तुम्हारे भाई को बोलने का कि तुमको कैसा लगा। कमेंट सेक्शन खुला है तो मेक श्योर तुम लोग कमेंट कर रहे हो इसके बारे में। कुछ लोग तो पक्का देख रहे हो शायद, तो अपना ओपिनियन इसके बारे में जरूर बताओ, और जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग देख के आओ, फिर जाके इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में दो। एनिमे मेरे को यूनिक लगे, स्टोरी मेरे को डिफरेंट लगी, मेन कैरेक्टर मेरे को बढ़िया लगा, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स मस्त है, आर्ट स्टाइल बढ़िया है, एनिमेशन मेरे को चुम्मेश्वरी लगी, तो मैंने तुम लोगों को रिकमेंड कर दिया। प्लस यार अभी तो फिलहाल हर जगह जीजेके चल रहा है, तो इसके बीच में कुछ नया एनिमे देख लोगे तो बढ़िया लगेगा, बाकी रेस्ट इज अप टू यू बॉय। चलो मेरा काम तो रिकमेंड करना था, मैंने कर दिया, तो या दैट्स इट फॉर नाउ। होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, फिर रेट मेक श्योर टू अंगूठा लगा रहे हो लगा दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने को 10 घंटे उस दबा के ऑल पे सेट कर दो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।